लखीमपुर के सैदपुरा गांव में बोरवेल में फंसे बच्चे प्रहलाद को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ सेना अभी भी करीब लंबे वक्त से यहां पे सुरंग की खुदाई कर रही है। अभी भी 1 फीट खुदाई बची हुई है। 4 साल के मासूम को बोरवेल में करीब 60 फीट की गहराई पर फंसे हुए आज 4th दिन है। एक और जहां प्रशासन की देखरेख में प्रशासन का रेस्क्यू लगातार जारी है, तो वहीं प्रहलाद की कुशलता के लिए मंदिरों में घरों में पूजा अर्चना की जा रही है। लोग प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान से मन्नत मांग रहे हैं। तो वही पृथ्वीपुर में प्रहलाद के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। बोरवेल में सकुशल वापसी के लिए गांव के लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लोग प्रहलाद के लिए मन्नत मांग रहे हैं। गांव के लोगों ने मन्नत मांगी है कि प्रहलाद के सुरक्षित बाहर निकलते ही पूरे गांव की तमाम कन्याओं को कन्या भोज कराया जाएगा। तो प्रहलाद के लिए लगातार दुआओं का दौर जारी है। हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए इस मासूम को बचाने के लिए, साकुशल इसकी वापसी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। 1 फीट की गहराई और बची है, बस इंतजार सिर्फ 1 फीट खुदाई का। और फिर जो लंबे वक्त से जिस तरह से जो रेस्क्यू चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि प्रहलाद का साकुशल होना और प्रहलाद को साकुशल बाहर निकालना। इसलिए तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मैन्युअली काम हो रहा है। यहां पे किसी मशीन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए एक ही जो शख्स है वो खुदाई कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी कड़ी मशक्कत यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि मशीन से अगर ये खुदाई की जाएगी तो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, और वाइब्रेशन की वजह से जो मिट्टी है वो धंसने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से अब इस खुदाई को लंबे वक्त से सिर्फ मैन्युअली किया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई कंपन ना हो, और उस कंपन की वजह से जो बच्चा है वो डरे नहीं। इसलिए जो वक्त है वो और भी लगातार लगता जा रहा है। सिर्फ 1 फीट की खुदाई और बची है, उसके बाद जो रेस्क्यू दल है वो प्रहलाद पर पहुंच जाएगा। मौके पर आपको ये भी बता दे कि डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, क्योंकि जैसे ही प्रहलाद को बाहर निकाला जाएगा सबसे पहले प्रहलाद को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। उसको मेडिकली चेक किया जाएगा कि वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, और कॉन्शियस है तो किस कंडीशन में है, ताकि बच्चा डरे नहीं, घबराए नहीं। हेमंत वर्मा सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। हेमंत, सिर्फ 1 फीट की जो गहराई है, खुदाई है, वो और बची है, फिर प्रहलाद तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी? आपको बता दें मिशन प्रहलाद अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुका है, एम्बुलेंस लग चुकी है, यानी साफ तौर पर जाहिर कह सकते हैं कि यानी जो प्रहलाद है अब बिल्कुल निकलने की ओर है। और बिल्कुल आप देखिए लगातार जो प्रशासन की टीम अलर्ट हो चुकी है, और जो यहाँ पे काफी भारी मात्रा में जो भीड़ है, भीड़ का उसको आप देख रहे हैं, काफी मात्रा में यहाँ पे हुजूम लग गया है। अब किस हालत में वो मासूम प्रहलाद होगा या नहीं, किस हेमंत, आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, आपसे ये जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्योंकि सिर्फ कुछ ही देर और कुछ चंद मिनटों की ही दूरी है
चंद मिनट ही बचे हैं कि प्रहलाद तक रेस्क्यू की टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि मैन्युअली खुदाई चल रही है। बड़ा सवाल ये है कि वहां पे अभी किन किन की मौजूदगी देखने को मिली, क्योंकि प्रहलाद को जैसे ही निकाला जाएगा तो सबसे पहले उसको मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो उसके लिए किन किन की टीम मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रशासन के यहाँ पूरा जिला प्रशासन तहत पूरा संभागीय पूरा यहाँ पे अमला यहाँ पे मौजूद है, और लगातार आपको बता दें जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने तरीके से लगा दिए हैं, मीडिया का यहाँ पे प्रवेश बंद कर दिया है, मीडिया की किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये सामने जो हम खड़े हैं यही सुरंग है, यहाँ इसी सुरंग के अंदर वो प्रहलाद है और वहाँ पे आने वाला, यहाँ पे काफी नेताओं का भी हुजूम लग गया है। देखिए नेता भी यहाँ पे आने लगे, निवाड़ी विधायक अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब वो हाल जाने के बच्चे के आकर क्या है, हम भी पूरे ताजा और पल पल का अपडेट उन पर रखे हुए जी। रश्मि जी, अभी वहाँ पे जिस तरह से आपने बताया कि निवाड़ी के भी विधायक वहाँ पे पहुंच गए, जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं, एसएसपी, एसजीओपी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तक, क्योंकि पहले तो मशीन से खुदाई हो रही थी, अब वहाँ पे मैन्युअली खुदाई होने लगी है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितना वक्त? बिल्कुल अमर रश्मि जी, आपको बताते हमारे साथ निवाड़ी विधायक मौजूद हैं और ये भी कहीं ना कहीं ललाए थे बात के देखने के लिए। हम चाहेंगे कि आप बात करवाइए, हम चाहेंगे कि बात करवाइए। हेमंत, तो हमारे सहयोगी हेमंत निवाड़ी विधायक से बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। निवाड़ी के ओरछा में बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद का अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि लगातार ये बच्चा बोरवेल में पिछले 4 दिनों से फंसा हुआ है, अब यहाँ पे जो खुदाई की जा रही है वो मैन्युअली की जा रही है, मैन्युअली इसलिए की जा रही है कि बच्चा परेशान ना हो। रेवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने बताया कि अभी तक बच्चे की खुदाई में रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार जो 60 फीट की जो खुदाई है वो की जा चुकी है और 1 फीट और बामुश्किल बचे हुए हैं, तो ऐसे में प्रहलाद के लिए अब पूरे देश और प्रदेश में दुआओं का दौर जारी हो गया है। परिजन पूरी तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो चले हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करें तो क्या करें। वहीं प्रहलाद के यहाँ गांव वालों का भी तांता लगा हुआ है, गांव वाले भी उसकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को प्रहलाद घर में खेल रहा था, मासूम बच्चा है, खेल रहा था, खेलते खेलते हमारे साथ हेमंत सहयोगी लगातार जुड़े हुए। हेमंत अपडेट दीजिए। हेमंत आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताते हैं अभी जो एसपी बाली सिंह है निवाड़ी एसपी, उन्होंने कहा अभी जो कैमरा मैन है वो कुछ प्रवेश देने की पूरा पुलिस हमला यहाँ पे मौजूद है, जिले का पुलिस महकमा यहाँ पे मौजूद है, एसपी बाली सिंह अभी निर्देशित कर रही है, कुछ बता रही है मीडिया के लिए। मैडम 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 किन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा? अरे भाई सबको प्रवेश है, आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी देखिए जनप्रतिनिधियों का अभी अंदर प्रारंभ हो गया, लेकिन क्या बैरिकेटिंग कर दी गई है पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे ही प्रहलाद को गड्ढे से बाहर निकाला जाए लोगों का हुजूम दौड़ पड़े। हेमंत, हम चाहेंगे कि वहाँ पे किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, अगर वो कॉपरेट करने के लिए अपील कर रही है तो आप भी थोड़ा सा साइड में हो जाइए, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए कि कितना वक्त और शेष अभी बताया कि 1 घंटे की तकरीबन 1 घंटा की समय लगने वाला है, हालांकि देखिए जो जी 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 बात पूरी कीजिए हेमंत। तो अब बस 1 फीट की दूरी है और 1 घंटे का समय और लगेगा। कहीं लगातार प्रताप से दूर में बना रहा था, अधिकारियों को नहीं दे रहा था और अब लगातार देखिए कुछ
लगातार एक्टिविटीज जो प्रशासन लगातार एलर्ट बना हुआ है, लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई, किसी प्रकार से एंट्री नहीं की जा रही है, लगातार कॉपरेट करने की बात की जा रही है। वहां पे अगर हम बात करें, आपने बताया कि विधायक भी पहुंचे हुए हैं वहां पे, क्या सांसद महोदय जी भी हैं वहां पे? तो बोरवेल में फंसे मासूम प्रहलाद को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे, वो ये भी बता रहे हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ रहा है। सिर्फ एक फिट की दूरी है, एक घंटे का समय और लग सकता है। हम भी दुआएं कर रहे हैं, आप भी दुआएं कीजिए।